संजय सिंगल, लालाजी प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा सप्तम के लिए वो है प्रमेय संख्या। लेकिन प्रमेय संख्या में आने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। आपने पहली कक्षा में पढ़ा भी है। बताओ, प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहेंगे? जो संख्याएं गणन के लिए प्रयोग की जाती हैं, वस्तु गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वे सभी गणन संख्याएं कहलाती हैं, या उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसको में जीरो भी शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तब ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और आप संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के जो जीरो से बाईं तरफ की ओर आप देख रहे हैं, उसमें ऋणात्मक पूर्णांकों को हमने शामिल किया है। तो इस प्रकार ये संख्या रेखा बन जाती है। अगर इस संख्या रेखा पर हमें एक भिन्न संख्या 3/4 दिखानी हो, तो भिन्न संख्या कैसे दिखाएंगे आप? अच्छा, भिन्न आप किसे कहेंगे? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, और उसके P और Q दोनों धनात्मक होते हैं, अर्थात P भी, जिसे हम अंश भी कह सकते हैं, और Q भी, दोनों धनात्मक होते हैं, और इस रूप में लिखी जा सकती है, 3/4 के रूप में लिखी जा सकती है। ये आपको प्रदर्शित करनी हो तो कहाँ दिखा सकते हो आप? क्योंकि अगर हम इसे भाग दे के देखें 3 को 4 से, तो उसका मान 0.75 आएगा, अर्थात ये भिन्न संख्या 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसलिए हम 0 के और 1 के जो धन पूर्णांक हैं, इसके 4 भाग कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4 यहाँ स्वयं हो जाएगा। तो ये 3/4, 1, 2, 3/4, ये 3/4 भिन्न संख्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो रही है, आप देख रहे हैं। अब अगर हमें प्रमेय संख्या के बारे में पता करना है, तो कोई बच्चा बताएगा प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? बेटे, सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई बिंदु है, तो आप उसके भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? 600/1000। ये 1000 कहाँ से आया? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहाँ 6/10 बचा, फिर आपने 2 से अंश को और हर को काट दिया, 3/5 आया, तो ये भिन्न आई संख्या 3/5। फिर समुद्र तल से 600 मीटर की गहराई पर आपको बिंदु को भिन्न संख्या में बदलना है, तो 600/1000, चूँकि हम गहराई की बात कर रहे हैं तो इसमें माइनस भी लगाएंगे, ये हो जाएगा -6/10, क्योंकि 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी। लेकिन क्या ये -3/5 भिन्न संख्या है या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि भिन्न संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है। प्रमेय संख्या माइनस में हो सकती है, लेकिन भिन्न संख्या माइनस में नहीं होती है। तो प्रमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, वे धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, तथा क्यू का मान 0 ना हो, अर्थात उसमें हर का मान 0 ना हो, प्रमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं 4/5, -4/5, 2/3 आदि प्रमेय संख्याएं हैं। प्रमेय संख्याओं के प्रमेय संख्याओं का सरलतम रूप का प्रगुण बच्चों आप देखिए, एक प्रमेय संख्या हमारे पास 16/80 है, इसका आपको सरलतम रूप निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप जो प्रमेय संख्या देख रहे हैं 16/80, इन अंश के और हर के मैसे को निकाल लीजिए। 16 का राशि का जो मैसे होगा वो 16 होगा, और 16 से आप अंश और हर को भाग दीजिए, 16 ही कम 16 16 50 80, 1/5। वैसे तो आप 2 से भी ऊपर नीचे कई बार काट सकते थे, लेकिन सरलतम रूप निकालने के लिए जो आसान तरीका है वो अंश और हर के मैसे से इसे दोनों को भाग दे दीजिए, और इन दोनों का मैसे जो बैठेगा वो 16 बैठेगा। 16 से जब आप भाग देंगे तो 16 कम 16 16 50 80,
इस प्रकार मान जो आया 1/5 आया, ये प्रमेय संख्या क्या आई 1/5 आई। इसी प्रकार आप और भी सरंतम मान निकालेंगे, उन्हें लिख लीजिए। के सरलतम मान निकालिए, तो आप जो प्रमेय संख्या देख रहे हैं 8/40, 50/60, 4/16, इनके आपको सरलतम मान इसी तरह से निकालने होंगे। दो प्रमेय संख्याओं के बीच तीन प्रमेय संख्याएं हम कैसे निकालेंगे? बच्चों ये बताइए कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच हम तीन प्रमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं? कोई बच्चा बताए इसका आसान तरीका क्या हो सकता है। लो हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों हमें 1/3 और 2/3 प्रमेय संख्या के बीच में तीन प्रमेय संख्या निकालनी है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इन दो प्रमेय संख्याओं के हर बराबर हैं या नहीं। सबसे पहले हम इनके हर ही समान करते हैं, वो पहले से आप देख रहे हैं इनके दोनों के हर समान हैं। अब हमें चूंकि तीन प्रमेय संख्या निकालनी है तो उससे एक अधिक लेकर अर्थात 4 से इनके अंश और हर को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो पहली प्रमेय संख्या कितनी आई? अब ये आई है 4/12। ऐसे ही दूसरी वाली प्रमेय संख्या जो आप 2/3 देख रहे हैं उसमें भी आप 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये कितना आएगा? 4/4 × 8/12। अब हमें आप देख रहे होंगे कि 4/12 और 8/12 के बीच में काफी स्पेस है, तो हमें इनके बीच में जो प्रमेय संख्या मिलेंगी कौन कौन सी मिलेंगी? 5/12, 6/12, 7/12। अतः 1/3 व 2/3 के बीच तीन प्रमेय संख्याएं। कौन कौन सी आई? क्योंकि 4 से 8 के बीच में बहुत गैप दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं 5/12 आ सकती है, 6/12 आ सकती है और 7/12। इस तरह से हमने ये तीन प्रमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकाल ली है। अब दूसरा उदाहरण से भी समझते हैं। वैसे तो दो पूर्णांकों के बीच या दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या होती हैं। अगर आपका उत्तर ना भी मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनंत प्रमेय संख्या होती है दो पूर्णांकों या दो प्रमेय संख्याओं के बीच में। एक अन्य उदाहरण से और समझते हैं इसी बात को। इन दोनों के बीच, इन दो प्रमेय संख्याओं के बीच हमें तीन प्रमेय संख्या निकालनी है। तो देखें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इन दोनों प्रमेय संख्याओं के हर समान हैं? नहीं है। इनके सबसे पहले हर ही समान कर लेते हैं। अब इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि दूसरे वाली प्रमेय संख्या के हर से ऊपर नीचे यहां गुणा कर दें। दूसरी प्रमेय संख्या में पहली प्रमेय संख्या के हर से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो इस प्रकार से लघुत्तम ले लें, या फिर आप इस तरह से गुणा करके इनके हर को समान कर सकते हैं। लघुत्तम लेके भी आप इनके हर समान कर सकते हैं और ऐसे भी आप इनके हर समान कर सकते हैं। आपको निकालनी है इनके बीच में तीन प्रमेय संख्याएं।
लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कि आगे की परमेय संख्या नहीं निकाली जा सकती। क्या बच्चों निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि 2/6 और 3/6 में कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, जितनी परमेय संख्या निकालनी थी उसके उससे एक ज़्यादा लेकर हम इसमें गुणा करेंगे। 3/6 × 4 12/24। ऐसे ही इसमें 2/6 × 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 8/24। तो आप देख रहे हैं कि 12/24 और 8/24 के बीच में काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है। अतः 1/2 व 1/3 के बीच 3 परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक हो सकती है 9/24, दूसरी हो सकती है 10/24 और तीसरी 11/24। इसी तरह से आप आगे की परमेय संख्या निकाल सकते हैं। जरा चार्ट की तरफ ध्यान दे देते हैं। हमने क्या सीखा, अभी बताया भी है, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं, वे ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, और Q का मान शून्य ना हो, तो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर −2/7, −3/8, −4, −5 इत्यादि परमेय संख्याएं हैं। और एक समतुल्य वाला सवाल मैंने अभी आपको बताया था, एक यहाँ भी आप चार्ट के माध्यम समझ सकते हैं कि अगर 2/7 के समतुल्य 4 परमेय संख्या निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे। हम किसी भी पूर्णांक से, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सबसे पहले हमने गुणा किया 2 से ऊपर नीचे गुणा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो 2 × 4/14, 6/21, 8/28 और 10/35, ये सभी 2/7 के समतुल्य परमेय संख्या आ गई हैं। एक नेक्स्ट उदाहरण में भी आप देखते हैं कि अगर हमें −1/3 और −2/9, −4/3, ये जो 3 ऋण परमेय संख्याएं हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना हो तो बच्चों कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लें या इनके हर को बराबर कर लें। हमने एलसीएम निकाला है 3 का, 9 का और 3 का, तो वो एलसीएम आया है आपके सामने 3 से चूँकि भाग दोगे तो 1, 3, 1, फिर 3 से भाग दिया तो 1 ऐसे ही आएगा, 3 × 3, 1 का 1 आ जाएगा, तो एलसीएम आया 9। अब 9 एलसीएम आया है इनका, हमने इसे 3 से इसे भाग दिया एलसीएम को 9 को, 3 × 9, तो यहाँ बना कितना, −3/9, फिर 9 से 9 को भाग दिया, एक बार चला टेबल तो −2/9, फिर 3 से 3 को भाग दिया तो कितनी बार चलेगा, 3 बार, 3 × 12, −12/9। इस तरह से ये परमेय संख्या आ जाएंगी। हमें निकालना है इन्हें आरोही क्रम में, हमें बताना है इन्हें आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा देखना पड़ेगा कि क्या है, सबसे छोटा जो परमेय संख्या होगी वो कौन सी होगी, −12/9, उससे फिर कुछ बड़ी होगी −3/9, और सबसे बड़ी फिर रहेगी −2/9। तो ये −12/9 छोटी होगी −3/9 से, −3/9 छोटी होगी −2/9 से। तो दी हुई परमेय संख्याओं का आरोही क्रम क्या बनेगा बेटे, क्योंकि ये मान कहाँ से आया, कौन सी परमेय संख्या से आया, ये मान आया इस वाली परमेय संख्या से, तो यहाँ पर रखेंगे −4/3। ये मान कहाँ से आया, ये आया है आपका पहले वाली परमेय संख्या से, अर्थात −1/3 से, इसे यहाँ रख देंगे। फिर −2/9, ये बीच वाली परमेय संख्या से आया, तो −2/9। इस प्रकार −4/3 छोटी हो जाएगी −1/3 से, और −1/3 छोटी हो जाएगी −2/9 से, ये इनका आरोही क्रम बन जाएगा। इस तरह से 35/49 का आपको सरलतम मान निकालना, वैसे आपने पहले भी निकाला है, फिर जरा ध्यान दीजिए। तो 35/49 हमने इस परमेय संख्या के अंश और हर के मैसे से इसको भाग दे दिया। अंश और हर का मैसे क्या आया, 7, 7×5=35, 7×7=49। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, 5/7, 5/7 परमेय संख्या इसका सरलतम रूप हो जाएगा। बच्चों समझ में आया, इस प्रकार के भी आप प्रश्न हल कर लेंगे। दो परमेय संख्याओं के बीच, मुख्य बिंदु पर जरा ध्यान दीजिए,
असीमित परमेय संख्या होती है, जैसा मैंने अभी बताया हमने चार पांच परमेय संख्या निकाली, लेकिन अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक भी परमेय संख्या होती है, परंतु सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बताया कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती है। परमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है। संख्या रेखा पर करना, इसके लिए आप एक संख्या रेखा ले लेंगे, इसके बीचों बीच मूल बिंदु अर्थात जीरो, जीरो न धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं धनात्मक परमेय संख्या है, नहीं ऋणात्मक परमेय संख्या है, और समान दूरी पर आप पूर्णांक ले लेंगे, धन पूर्णांक एक दो तीन, इसके बाईं ओर ऋण पूर्णांक होते हैं, तो समान दूरी पर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ले लेंगे। हमें परमेय संख्या दो बटे पाँच को प्रदर्शित करना है, तो इसको कैसे करेंगे? अगर हम दो को पाँच से भाग दें तो मान कितना आएगा, भाग दे के देखिए बच्चों, पॉइंट चार आएगा, वो अर्थात जीरो और एक के बीच में ये संख्या आपकी लाई करेगी, परमेय संख्या आपकी लाई करेगी। हमें जीरो और एक के बीच में पाँच भाग करने होंगे। आपने देखा जीरो और एक के बीच में हमने पांच समान भाग कर लिए, हमें दिखाना है दो बटे पांच को, तो इसका दूसरा जो भाग है वो यहां बैठेगा p बराबर दो बटे पांच। इस प्रकार हम दो बटे पांच परमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बच्चों इसी प्रकार से आपको तीन बटे पांच, चार बटे पांच, दो बटा तीन, एक बटा दो को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। आप इन्हें बार बार हल करके देखें और नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा पूछना। हमने दो परमेय संख्याओं के बीच में तीन चार परमेय संख्या निकालना सिखाया, आपको उस पर भी सवाल हल करने हैं। तीन बटे पांच, छह बटे सात के बीच तीन परमेय संख्या, तीन परमेय संख्या निकालिए। ये प्रश्न आपका उसी पे बन गया है जो दो परमेय संख्याओं के बीच में हम तीन या चार परमेय संख्या निकालते हैं या इससे ज्यादा निकालते हैं, उस पे बन गया, तो आप ये खुद करके देखेंगे। एक बटा दो परमेय संख्या एक बटा तीन, इसके बीच में आप ब्रैकेट देख रहे हैं, हमें इसमें बड़े का साइन, ग्रेटर देन या लेस देन या फिर बराबर का साइन, ये चेक करना है कि कौन सा आ सकता है, अर्थात पहली परमेय संख्या दूसरी परमेय संख्या से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। कैसे चेक करेंगे बच्चों? सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, इनके हरों का, या फिर इनके हरों को समान कर लेंगे। समान करने के दो तरीके मैंने बताए कि यहाँ तीन से ऊपर नीचे गुणा कर लें, क्योंकि दूसरे वाली भिन्न संख्या के जो हर में आप देख रहे हो तीन है, तो तीन से ऊपर नीचे गुणा कर लें, या दूसरी वाली भिन्न संख्या को पहले वाली हर परमेय संख्या के हर से ऊपर नीचे आप गुणा कर लें, अर्थात एक बटा दो यहाँ ऊपर नीचे तीन से गुणा कर लें और यहाँ पे ऊपर नीचे दो से गुणा कर लें, या इन दोनों का लघुत्तम छः बैठता है, छः निकाल के देख लें आप, तो कितना आया तीन बटे छः और यहाँ दो बटे छः, तो आप देख रहे हैं तीन बटे छः दो बटा छः से बड़ी होती है छोटी होती है, कोई बच्चा बताए? आवाज़ आई है कि छोटी होती है, नहीं छोटी नहीं होती, क्योंकि तो इनके दोनों के हर समान हैं और यहाँ पे इनके अंश देखते हैं तो अंश बड़ा है, यहाँ तीन वहाँ दो, अंश जो है दो है वहाँ कम है, तो बड़ी ही होगी, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? बड़े वाला। तो हम दो परमेय संख्याओं के बीच में ये भी चेक कर सकते हैं कि वो संख्याएं एक दूसरे से बड़ी हैं या छोटी हैं या फिर बराबर हो सकती हैं। तो बच्चों आपको भी इस तरह से ये साइन लगाने हैं, मैं कुछ परमेय संख्याएं दे रहा हूँ,
आपको इस ब्रैकेट में साइन लगाने हैं और ये तीनों परमे जो तीनों मैंने दिए हैं परमे संख्याओं के रूप, तो इनमें आपको ये साइन लगा के देखने हैं, हल करना है। अब हम सीखेंगे दो परमे संख्याओं को जोड़ना और घटाना। जरा इस सवाल के माध्यम समझते हैं, इस प्रश्न के माध्यम समझते हैं। 3/5 पहली परमेय संख्या हुई 3/5, दूसरी परमेय संख्या है -2/5 ऋणात्मक परमेय संख्या, इन्हें दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे कोई बच्चा बताए? देखो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम इनके हर देखते हैं समान है या नहीं। इन दोनों के हर समान हैं इसलिए इनका लघुत्तम 5 ही आएगा। 5 से 5 को भाग दिया हमने, प्रत्येक परमेय संख्या के हर से इस लघुत्तम को भाग दिया, तो एक बार चला टेबल और फिर 1 की गुणा 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3। यहाँ पे 5 से फिर लघुत्तम को भाग दिया, एक बार चला इसके अंश से गुणा कर लेंगे तो -2 एकम 2 रहेगा और बाहर प्लस का ही साइन रखेंगे। अब जब इसे खोलेंगे, क्योंकि बाहर प्लस अगर होता है तो अंदर वाली राशि के मान नहीं बदलते, अंदर वाली राशि का चिन्ह नहीं बदलता, तो क्या आया ये -2/5। तो कितना मान आया 1/5, इसका उत्तर क्या आया 1/5 परमेय संख्या। दूसरा प्रश्न, पहली परमेय संख्या 3/5 आप देख रहे हैं, दूसरी परमेय संख्या 1/2। पहली परमेय संख्या में से आपको दूसरी परमेय संख्या घटानी है, तो कैसे घटाएंगे? इसके लिए भी आप इनका लघुत्तम ले लेंगे। 5 और 2 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों, यहाँ निकाल के देख लो, 2 एकम 2 5 लघुत्तम में बताया गया होगा आपको कि अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहते जब तक 2 से कटता रहेगा। एक भी संख्या अगर 2 से कटेगी तो आप काटते रहेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे, फिर 5 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया इसका, लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम समापवर्ती 2 गुणा 5 10, और ये 10 आप यहाँ रख लेंगे। फिर 5 से इसको भाग दिया, 5 दुनी 10 2 बार टेबल चला, 3 दुनी 6 2 5 10 5 एकम 5। तो इस प्रकार 1/10 परमेय संख्या आई। तो आज हमने दो परमेय संख्या को जोड़ना घटाना भी सीखा। इस पर भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं उसे हल करेंगे। इन प्रश्नों को आप इसी अनुसार हल कर सकते हैं।